फिर से स्वागत है मेरे चैनल रोबर्स बाजार पे आपका। आज हम बात करेंगे पीटीसी लिमिटेड इंडिया स्टॉक के बारे में। पावर ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी की एक छोटी सी कंपनी है। पिछले एक साल का और पिछले एक महीने का रिटर्न्स देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट माइनस में है। हालांकि पिछले एक महीने में ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, अब इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका है। अब इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज कैसे बन रहा है ये मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके की बनती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम राइजिंग वेज। यहाँ से आपने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से एक ब्रेकआउट फॉर डाउनसाइड। अब स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने की या नीचे जाने की कहाँ पे क्या संभावना बन रही है, यहाँ पे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये मेजर सपोर्ट बनता है 77 रुपीज़ का। स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 80 रुपीज़ की। अगर आपको करंट लेवल से कोई बाइंग बनानी है तो पहले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 77 रुपीज़ का। अगर 77 ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक वापस अपने निचले लेवल पर आ जाएगा 71 रुपीज़ के आसपास। तो उस स्टॉक में कोई भी फ्रेश बाइंग बनाने के लिए आपको पहले दो लेवल को देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा 77 रुपीज़ और 71 रुपीज़ के आसपास। अगर यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करता है, यहाँ से एक अपसाइड बनाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे कोई भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश बाइंग अगर आपको बनानी है तो आफ्टर 84 रुपीज़ के बाद इस स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग बनाई जा सकती है फॉर द फर्स्ट टारगेट 88-89 रुपीज़। तो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था। थैंक यू सो मच।